हाँ अच्छा, एक बार गौतम से चेक कराओ, गौतम देखना क्या है, कहाँ गए गौतम? गया भी इतनी जल्दी, कहाँ था जब उसको रुको इतनी देर में? इलाज भी आप कर दे, जैसे यू दिखा दी ना, एक विषय आप बात करनी ना आती है, बात करनी ना आती है आप, ठीक है भैया, जैसे आपका मन कर रहा हूँ, चलो आप पैसा दे देंगे भैया तेरे, हाँ अच्छा, अभी कोई दिक्कत ना पैसा जी, ठीक है भैया, नहीं पैसा आया कहाँ से, कोई दिक्कत ना पैसे की, दूध की दुकान है भैया, बहुत बात तो देख गया, दूध की दुकान पे बैठता कौन है मनीष भैया, अकेला बैठूँ और कहाँ बैठूँ, दूसरा बैठूँ भाई, तो बहुत मेहनत करता है भाई, तो वो करता है, दूध डब्बी दबानी पड़े भैया, और कुछ भी करना पड़ेगा, अच्छा ये भी बात, बीमार है भैया, और कहा बोलूँ उसके बारे में, बीमार बता रहा है तेरे को, बोला मेरी मम्मी बीमार है, ठीक कर दो, मैं इसके कान में फूंक मार के इसके दर्द ठीक कर देता हूँ, ठीक कर लो भैया, हाँ प्यासा लगेंगे, दे देंगे माइक, एक गाली में बकता रहता है, जोड़े में प्रेम हल्का फुल्का कटा हुआ है कहीं, इसका मतलब आपने इसको नहीं देखा है, दूसरे ने देखा है, अंक कितना देखा है ना, हाँ उसने क्या बताया था आपको? मेरे को कोई परेशानी ना भैया, या ऑटो वाले पंडित जी सब बीमारी बता रहे हैं, इस लड़के को ये नाम ना बता भैया, जैसे मंदिर बता मंदिर, ये दो नाम बता रहा मंदिर में, दिक्कत तो तेरे को है, इनको बता रहा है ना, इसे दिक्कत भैया, आवाज ना निकली, गला से आवाज ना निकले, बीमार सब देख रहे हैं, उस लड़के को कुछ है? उस लड़के को भूत प्रेत नहीं, आपने ही देखा था पहले? नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन जब इनकी हाजिरी आ रही थी तब मैं भी देख रहा था इनको, आपकी हाजिरी आ रही थी, नहीं आप कहाँ गए थे ये बताओ आप, अब यहाँ से पहले कानपुर कहाँ गई थी? करौली सरकार में, फिर तेरा क्या पूजा पर चढ़ा के आई पैसों का? ये अमन कर रहा है, नो अमन फ्री के थे, पैंतीस सौ पचास का एक हवन था, ध्यान से सुनो, पैंतीस सौ पचास की एक हवन किट है, और दो सौ रूपये का उसमें सामान है, दो सौ रूपये का गत्ता है, ठीक है, तू चालीस हजार रूपए दे के ये कह रही है, क्या कहते हैं कि उन्होंने पैसे नहीं लिए, पैसे नहीं लिए उन्होंने तेरे से, जितना लेना भैया उतना दरवाजा, इक्यावन सौ पर्ची भी कटाई थी, ये सामने खड़ा था उसके, ये जितना करवा दी, इसको सामने खड़ा किया था, क्या बोले ये ठीक हो गया, वो कोई बीमार ना भैया, कैसे ठीक हो जाएगा, लेपन का, फिर उससे ठीक हो गया, लेपन कितने का दिया था तेरा, तो उसने नाश ही कर दिया, भट्टा ही बैठा दिया, मैं ये कह रहा हूँ, साढ़े बारह सौ का एक, कितने लगाए तूने इसको? तीन डब्बी लगाई थी, चार हजार रुपए तो वे हो गए, ठीक है, और कितने, तैतीस तैतीस सौ रुपए का एक हवन है, पैंतीस सौ का है, छत्तीस सौ का है, नौ हवन है, नौती है सत्ताईस, नौ चौक छत्तीस, चालीस हजार रुपए हो गए, तेरे तो साठ हजार रुपए तो उसने ले ही लिए, फिर ठीक नहीं हुई, समझ का बारी हुई है, तेरी तो अभी भी यहाँ भी हाजिरी आ गई, वो तो कमी ना, ये कहता है कि मेरे यहाँ कोई आ जाता है, वो चुड़ैल का बीज, ये कहता है मेरे यहाँ कोई आ जाता है वो सदा के लिए ठीक हो जाता है, यहाँ वाले किसी भी आदमी पे को, मैं ये कह रहा हूँ करौली के जितने भी आदमी को ये मानता है करौली में ठीक हो गया, वो यहाँ आ जाए, मनु भैया की फूंक लगवा ले, अगर ना नीचे जमीन पे गिर पड़े तो मेरे को बता देना, आ दिखा तेरा करौली सरकार ने क्या हाल किया है, मैं बताता हूँ, जितना लगा ये देखो, ये करौली से आई है, देख लो एक फूंक में क्या हाल हुआ है, ये कानपुर करौली से आई है, पचास हजार रूपए देखे गले में पैर लिया, देखो लॉकेट अभी तक किसी ने देखा नहीं है, ये राधा रमन नाम की चुड़ैल के बीज का लॉकेट पहन रही है, देखो ये राधा रमन साला निकम्मा, दुनिया का तांत्रिक, माने हाथ काटा, ये हीरा चैन उतार लिया, हाँ पैसा उतार लिया, हाँ कोई परेशानी बा, आया समझ में, तेरे को दुनिया भर के प्रेत पड़े पड़े हैं, तूने कितने हवन किए अपने कुल के लिए ही तो किए होंगे, वो तो ये कह रहा मैं तो सारे कुल को ठीक कर दूंगा, ठीक है तू वहां खड़ी होके उसके आगे इक्यावन सौ रूपये और दिया, उस काले सांड की मुंह दिखाई, शर्म नहीं आई तुझे, क्या ठीक हुआ तेरा है, फिर भी बोल नहीं निकल रहा तेरा, किसी ने तुझे लूट खाया नीचे से ऊपर तक, कोई हमें नंगा भी कर दे, हम बताए भी ना हम नंगे हो गए, करौली कानपुर सरकार में आज तक जितने लोग गए हैं कोई भी ठीक नहीं, सब यहाँ आए मनु भैया को दिखाए फ्री में ठीक होके जाए, हम तो आपको बीमार पड़ गई टीवी में, तो मैं पहले भी था, उस सांड से पहले का चैनल चल रहा है हमारा, उस सांड से पहले का चैनल चल रहा है, देखा तूने पहले भी होगा, पर तुझे ये लगा ये कोई दूर है इसलिए ये बड़ा होगा, इसकी टीम बड़ी है, इसका घर बड़ा है, ये शीशे के महल में बैठता है, तुझे ये लगा होगा, शीशे के महल में हिरण्यकश्यप था, सोने के महल में रावण था, ये उनका बाप है जो इस कलयुग में पैदा हुआ है, ठीक है,
आगे ना, ये कुबीज है कोई जिसने देश का नाश किया है, ये देश द्रोही है, मैं ये कह रहा हूँ, लोगों से लूट लूट के पैसे खा रहा है। नाम सुन के आए कि भैया जी के पास ये बोलना पारी जैसे से बोल दिया। तू ऐसे मिली थी जितनी आमने सामने मैं हूँ उससे, हैं क्या बोला तेरे को बताइए, जब तुझे देखा तेरी हाजिरी नहीं आई ना वहाँ, आई थी बट तू ठीक क्यों नहीं हुई जब तेरी हाजिरी आई उसके सामने, हैं उस नाश खेत के सामने जब तेरी हाजिरी आई तू ठीक क्यों नहीं हुई, तूने कहा नहीं साले तेरे कीड़े पड़ेंगे हराम के बीज, तूने ये बोला राम के बीच तेरे कीड़े पड़ेंगे, अब कहना अरे कहना तू गाली क्यों ना दे, ठीक करा भैया इन्हें घेर यहाँ सारे ने निकाल के, और जूते मार जितने मार सकती है, यहाँ मार है गरीब आदमी को लूट खा, मार सारे के मार ठोक पैर से, चप्पल मार ठोक पैर से, मार बोले शनिदेव महाराज की। ये मर गया करौली सरकार, ईंट लेके आई थी घर, उस ईंट को फौरन के फौरन किसी गंदे टट्टी के पैखाने में डाल दे, उसमें उसका ये गुरु बैठा है तांत्रिक, ना तेरे घर का नाश हो जाएगा कुल का, आया समझ में, है ना ईंट लाल कपड़े में बंधी, तू उसको खोल के देखेगी उस पे सींग वाला एक राक्षस बन रहा है, ऐसे दो ईंट लाई एक गुरु के नाम की और एक इसकी उसके रखेल के नाम की, एक इसके नाम की, साल टट्टी वाले ट्रैप है खाने में डाल दिए ताकि उसकी बुरी वो भी ना आए, स्मेल भी ना आए, ना तो मारी जाएगी कुल के साथ, तेरा बच्चा पागल और हो गया, पहले कम था अब ज्यादा हो गया ना, अब ज्यादा हो गया, पहले कम था, मनु भैया ने ठीक बता दिया, बोलो शनिदेव महाराज की। और पैसे भी दे आई दो ठोक और मार, तू आज ही साथ आज शाम को देख लिए, आज शाम को ही आराम पड़ जाएंगे, और करवा केस साला मेरे ऊपर, करवा केस मैं साबित करवा, ये फ्रॉड है दुनिया का है, और मैं टीवी चैनल पे आता हूँ, मेरे सामने पेश करो टीवी वाले उसको, सारे चैनल वाले, मैं बताता हूँ उसकी औकात क्या है ससुरे की, अभी बीच में पेश किया भी था आपको और उसको बराबर में नहीं, सामने सामने कराओ ना, आमने सामने कराओ, कोई भी चैनल आमने सामने कराओ, मैं बताता हूँ, और वो लेके आए अपने आदमियों को, मैं ठीक करता हूँ लाइव डिबेट, एक भी आदमी उसका यहाँ आएगा वो ठीक होके ही जा रहा है, अभी दो आदमी यहाँ है उनको आराम है, पता है तुझे इस बात, बता पैसा मैं दूंगा तो कोई दिक्कत हो रही है ना, ना बोल दे ऐसे मैं दे दूंगा तो ठीक कर देगा भाई, तू इसके जूते मार, इस माँ के पैसे खा ले, मैं ना छू हनुमान, हनुमान थोड़े ना ये, मैं जानू हाँ सर, इसने तुझे बीमार किया हुआ है, तेरे हथकड़ी इसने बंधवाई है, इसने हाथ भी इस चीज तरह बांध रखी है, तेरे हथकड़ी इसने बंधवाई है, तेरा नीचे हनुमान है तो भी बताएगा भी, हाँ तूने पैर रखा हुआ पे, हाँ हाँ हनुमान बता मो आश्रम, हाँ ये तेरी माँ ने मारे इसके जूते, ना मैं पहले बता दी भैया गलती करने से पहले ये छोड़ेगा ना तू, जब तक देखा बैम घुसा देता है लोगों के अंदर की हनुमान, ये बैम घुसा देता है लोगों के अंदर की भगवान शंकर, भैया मौत तो पता ही, जो बच्चा जाता है वो ऐसे पागल होके आता है, तेरा बच्चा और पागल हुआ है वहां से कि नहीं, भैया है स्थिति खराब हुई है कि नहीं इसकी, और खराब हुई है, मार साले के दो जीती समझ के मारियो एक भी बैर, हाँ हनुमान क्या यार आप ये मार कैसे मैं जान दूं, दोनों ईंट कहाँ डालनी है ये देख ले, उसी की भाषा बोल रहा है ना, आगे ना समझ में, ये उसी का गुरु आ जाता है, एक मिनट में यही आ जाता है, भी ना छोड़ेगा ना, बोलेगा पैसा ना दिया पैर रखा हुआ ने, हाँ ना फेंक दो इसको, मैं दे दूंगा जितना लग रहा, फेंकी मत यार मिले ना, हाँ मागरी कुट में डाल दे, एक मिनट में चल के भस्म हो जाएगा हमारे, जलाइए मत ना तो हवन कुंड में डाल देना, बोलो शनिदेव सच्चे सबसे अच्छे दरबार की जय, शनि महाराज शनि 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 शनि, चलो चल भैया माइक पैसा दे देंगे, और कुछ बात ना मैं कमाऊँ, हाँ और कोई ना कमा, हाँ मैं दूध की डेयरी से, तू लड़के को जानती नहीं है, ला बेटे आसन नंबर चार, आसन नंबर चार, हाँ भैया छोटे भैया ऐसे पैसा से छूला, हाँ पैसा से छू जब भी मिलेगा, हाँ छोटे नंबर, चल भैया चल इलाज करा दिया, केला ले ला, हाँ जो बंदर खिलाना न छोड़ेगा ना, हाँ।